नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग फॉर यू में। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी का हलवा, जो कि मैं एक ट्रिक के साथ बनाऊंगी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है ये लौकी, इसे हम दो तीन पीसों में कट कर लेंगे और उसके बाद इसके जो छिलके हैं वो हमें निकाल लेना है। दोस्तों हलवा आपको कम ज़्यादा बनाना हो उस हिसाब से आप लौकी लीजिए। यहाँ पर मैंने एक ही लौकी लिया है, तो इस तरह हम उसके जो छिलके हैं उसे निकाल देंगे। और अब हमें इसके जो अंदर का पार्ट रहता है बिल्कुल वाइट वाला, उसे निकालना है। तो इसे इस तरह से दो तीन पीसों में कट कर लीजिए बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद जो इसमें जो बीज है उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है हलवे में। तो हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से करते हुए हम सारी लौकी को इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इसे इसके जो वाइट वाले बीज थे वो हमने निकाल दिए हैं। अब हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहें तो जो पतला जो छेद वाला कद्दूकस आता है आप उससे भी कर सकते हैं। इसे बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है और मेहनत कम लगती है, क्योंकि बाद में हम इसे गला के अच्छी तरह से पका देंगे। जो इसे छोटे छोटे पीसेस बचे इसे इस तरह से कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसे कद्दूकस नहीं करेंगे, छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब हमें इस तरह से कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और जो लौकी को हमने कद्दूकस किया था इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको डर है कि कद्दूकस जो किया हुआ लौकी है वो जल जाएगा, तो आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके बाद इसे कढ़ाई में डालें और फ्लेम को रखें लो और इस तरह से थोड़ा सा चलाएँ। तो दोस्तों अब हम इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर करीबन 5 मिनट तक पकाएं। इससे ये पूरी तरह से लौकी जो है वो गल जाएगा। बीच बीच में से एक दो बार चेक भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे ढक दिया है करीबन 5 मिनट तक। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये किस तरह से बफ चुका है, मतलब पक चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से चला के देखेंगे। तो दोस्तों लौकी यहाँ पे थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करीबन 2 कप दूध इस तरह से, और उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा मैंने कलर ऐड किया है, फूड कलर, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप ऐड ना करें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा दिखे, इसलिए मैंने इसमें कलर ऐड किया है। तो इस तरह से कलर ऐड कर दीजिए और इसे इसे चलाकर और ढक दीजिए। ढकने के बाद अब हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है, जब तक जो दूध है वो पूरी तरह से अच्छे से इसमें घुल जाए, पक जाए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो दूध है वो पूरी तरह से पक गया है, और दूध में जो साड़ी पड़ी है उसे भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि कलछी से बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे मैश करते हुए हम मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारा हलवा है, जो लौकी है, वो परफेक्टली टुकड़े टुकड़े में बट जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, इस तरह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसे हम मिक्स कर देंगे बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे मैश कर लेंगे। तो मैश करने के लिए मैंने यहाँ पे मैशर ले लिया है, इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लौकी के बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे हो जाए, क्योंकि हमने कद्दूकस छोटे वाले में नहीं किया था, वो बड़े वाले कद्दूकस से किया है, इसलिए उसके पार्ट बड़े बड़े थे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे करीबन 1 कप मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर ऐड करना ना भूलें, इससे बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही दानेदार बनता है, और आप भूल जाएंगे कि हमने हलवा खाया कि मिठाई खाई। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा ढकना है, पकाना है थोड़ी देर तक। और ऊपर से मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीबन 1 टेबल स्पून घी, और अब इसे भी मिक्स करके इसे हम ढक कर थोड़ी देर पका लेंगे। तो यहाँ पर करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो जो इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला था वो बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करीबन 3 चम्मच शक्कर, ये बड़ी वाली शक्कर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो शक्कर ऐड करने के बाद हमें इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए पकाना है। इस टाइम पे फ्लेम को हाई ना रखें, उसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। तो यहाँ पर हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा पकाया है। अब हम इसे ढकेंगे करीबन 2 मिनट के लिए, ढक कर पका लेंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम, और 2 मिनट के बाद हम जब इसे चेक करेंगे तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका रहेगा जो हमारा हलवा है। तो अब फ्लेम को रखिए हाई और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिए। तो यहाँ पर हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेना है। इस तरह से जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, मतलब हमारा लौकी का हलवा परफेक्टली बनके तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पर जो हमारा हलवा है वो तैयार है। तो दोस्तों लौकी का हलवा इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई करना, उसमें मिल्क पाउडर ऐड करना, और उसके बाद लौकी का हलवा तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा हमने तैयार किया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करना ना भूलना
कि मेरी बनाई रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।